ये छोड़ो मेरे नतीजे सवाल की थे माफ कीजिए। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम नया गेम प्ले रिकॉर्ड करने जा रहे हैं रेजिडेंट ईविल 7 का। तो आपको पता है हम पहले भी खेल रहे थे, 3 एपिसोड हमने रिकॉर्ड कर ली थी, उसके बाद अब चौथी डाल रहे हैं हम। तो नंबर 3 में हुआ था कि ये एक बूढ़ी औरत थी जो हमारे पीछे पड़ गई थी भाई, जिधर से जाओ उधर से मुंह निकालती थी भाई। उसने हमें सही 4 बार मैं फेल हुआ, उसके बाद वो हमने किया था फेल्ड होके, उसका वो रास्ता सब कुछ चेक करते हैं, वो उसे ले जाती है। तो उसके बाद फिर जैक बेकर दोबारा आ जाता है उठ के भाई साहब, उधर से हम वो ईगल का शेडो मैच करके निकलते हैं। उसके बाद कुछ वैनम्स आते हैं, कुछ ब्लाइंड टाइप आती हैं, उनसे लड़के फिर एक गेट होता है वहाँ पे हमने एंड की थी और वहीं से शुरू करते हैं। चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। यो तो गाइस, हमने यहाँ पे गेम स्टॉप की थी, लास्ट गेम प्ले यहाँ पे स्टॉप किया था। यहाँ से आगे हम एपिसोड 4 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, पर यहाँ से आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने ट्राई की थी कि मुझे रास्ता मिल जाए, लेकिन नहीं समझ आ रही। जिधर से मैं घूमता हूँ सर्कल में, फिर उसी जगह पर, फिर उसी जगह पर, जिधर से जाओ उधर से ही वापस। पर दोबारा छोड़नी तो है नहीं, कम्प्लीट करके छोड़ेंगे। प्रोसेसिंग एरिया मैप दोबारा उठा लेते हैं, फर्स्ट एड किट, पहले एमओ जमा करता हूँ मैं, यहाँ कहीं से एमओ ढूंढ लेते हैं। उस स्कॉर्पियन की हर्ब, लॉक पिक और ट्रेजर फोटो मिल गई। ट्रेजर फोटो एक मिनट में एग्जामिन करके देखता हूँ इसके पीछे है क्या। इसके पीछे लिखे आई हिट समथिंग नाइस या ट्राई टू फाइंड इट इफ यू कैन। कोई चीज़ छुपा दी है इस जगह पे, उसे हमें फाइंड करना है। अब ये जगह सबसे पहले फाइंड करते हैं। अरे भाई ये किधर से आया। एक यूट्यूबर को मैंने देखा था भाई साहब, वो इन्हें मारने के लिए सबसे पहले इन्हें लंगड़ा करता है, क्योंकि बहुत तेज़ भागते हैं, गोलियाँ लगते ही भाई साहब हवा हो जाते हैं। ओ भाई मेरे पास एमो खत्म, एमओ खत्म मेरे पास एमओ खत्म। इसको मैं अब आराम से ही मारना। इसे आराम से ही मारना होगा। मर गया भाई, सीधा मुंह में घुसा दिया हमने। अब यहाँ पे हमें मिल गया जैम फ्लूइड, और ये क्या चीज़ है, थोड़ी सी हैंडगन एमओ मिल गई है, हैंडगन एमओ। चलो जी, ये एमओ मिल गई और ये प्रोसेसिंग एरिया मैप मिल गया। अरे भाई किसी की आवाज़ आ रही है। सबसे पहले हम बैक जाते हैं, उधर से जाके ना हमें स्टैचू से शॉटगन लेनी है, और स्कॉर्पियन की का भी पीछे काम है बहुत ज़्यादा, वो जो मिल गई है हमें। अब हम सीधा जाते हैं बैक, और उधर हमारा थोड़ा सा काम है वो मुकम्मल करके फिर दोबारा आते हैं इनसे लड़ने के लिए आगे। सही, चेक करते हैं यहाँ पर तो कोई ऐसी जगह नहीं। यहाँ पे तो कोई ऐसी जगह मिल दे नहीं। चलो जी सेव हो गया यहाँ पे। अब ये आइटम बॉक्स है, इसमें हमारे काम की अभी कोई चीज़ नहीं है। चलो इससे पहले हम देर हो जाए कि वो जैक वेकर दोबारा आ जाए, इस तरह हम वापस जाते हैं और सबसे पहले वो जगह ढूंढते हैं जहाँ पे लगेगी स्कॉर्पियन की ये चीज़। ये ओपन हुई है तो मेन जगह है यार, इसके ओपन होने की ज़रूरत भी नहीं थी। बट सबसे पहले जाके अब हम देखें वो ऐसी जगह किधर है जो वहाँ पे कोई चीज़ छुपाई हुई है, वो हमारी फ़ोटो में, ट्रेजर फोटो। या इसमें क्या है, अरे भाई कीड़े, कोई काम की चीज़ हो भाई, कर रहे क्या हो। ये क्या एंटीक कॉइन मिल गया हमें, उठाया, हाँ उठा लिया एंटीक कॉइन। और उसके बाद ये किसी बच्चे ने बनाई है, हाँ ये तो लास्ट टाइम हम देख चुके थे यार। ये ओपन होने के लिए लॉक पिक चाहिए था, पर लॉक पिक गुम हो गया। सबसे पहले वो जगह फाइंड करें यार, वो किधर थी। अच्छा ये ट्रेजर फोटो में जगह है, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, अरे भाई स्टीरॉइड्स, सही
ये स्टीरोइड्स हैं, और इसमें से मैं क्या चीज़ अब क्या, एक मिनट, यहाँ पे कोई, मैं देखता हूँ आइटम बॉक्स है। सबसे पहले आइटम बॉक्स में जाके मैं अपनी चीज़ें कम करता हूँ, उसके बाद जाके यहाँ से उठा के लेके जाता हूँ। ये स्टीरोइड्स हैं, हमने ये उठा लिए। अब स्टीरोइड्स इंजेक्ट करके देखते हैं इधर क्या। जैसा कि आपने देखा, ये स्टीरोइड्स इसने इंजेक्ट कर लिए हैं, तो योर मैक्स हेल्थ इंक्रीज। चलो भाई शुक्र है, हमारी थोड़ी सी हेल्थ इंक्रीज होगी। चैम फ्लूइड मिल गया। ये क्या है, ये भी मेरे ख्याल से स्कॉर्पियन से ओपन होगी। इट डज नॉट फिट दिस लॉक। इसमें स्कॉर्पियन की नहीं लगेगी। ये बाथरूम में, उसके बाद अब जाते हैं वहाँ पे जहाँ हमने स्कॉर्पियन की देखी थी, पुट की थी। हाँ यहाँ पे हमने स्कॉर्पियन की पुट करनी है। हाँ बल्कि पुट कर चुके थे। यहाँ से बाहर आते हैं यार, यहाँ से हमें शॉर्ट गन लेनी थी वो स्टैचू से, क्योंकि आगे यार, ओ भाई, अरे भाई, अरे भाई आ गया, आ गया, अरे भाई, ओ भाई मार गया, मार गया, मार गया, बहुत बुरा मारे, बहुत बुरा मारे। यहाँ से भागते हैं सबसे पहले भाई, बहुत स्पीड में है पीछे ये तो। ओ भाई उसके हाथ पे खून देखे। इट डज नॉट फिट दिस लॉक। यार इधर कौन सी की लगेगी। अरे भाई यहाँ पे स्कॉर्पियन की, चुका यहाँ पे स्कॉर्पियन की लगे। उसके बाद दरवाज़ा क्लोज, दरवाज़ा बंद किया और बैठ, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। यहाँ पे क्या है, ओ भाई मेरे हाथ से उसने देख लिया। हम थोड़ा वेट करते हैं। ब्रोकन शॉटगन, ये क्या चीज़ है, किसी के दांत हैं भाई, इसका क्या करेंगे, दांत वापस रहेंगे। ओ भाई 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 भाई, अरे भाई ये कैसी आवाज़ लगा रहा है, इतन इतन इतन। काम चेक करो इसके। बेटा हम तुझे नहीं मिलने वाले, बस तू अंदर ना आई। ओ भाई गेट तो नहीं ओपन कर लिया, नहीं फिलहाल बचे हुए। चैम फ्लूइड मिल गया, ये तो नहीं कुछ ओपन होगा। उसकी आवाज़ तो आ रही है भाई, इधर ही कहीं है। ये थोड़ा सा मिल गया एमओ, शॉर्ट गन का एमओ मिल गया। अब इसके अंदर देखते हैं क्या। छोड़ो भाई हमारे काम का नहीं है, अब इसमें भी कुछ नहीं। अब उसके बाद यहाँ से बाहर जाने, असल में यार वो जो स्टैचू था उसके हाथ में जो गन थी ना, वो मैंने ट्राई किया था खोलने का, बट जूँ ही उसके हाथ से वो हम गन लेते हैं वो दरवाज़ा लॉकड हो जाता है, तो फिर बंदा जाए किधर से बाहर। इसलिए अब हमें ये ब्रोकन शॉट गन मिली है, ये हम उसके हैंड्स में देंगे और वो ले लेंगे उससे। सही, अब हम यहाँ से दौड़ते हैं सीधा। अरे भाई वो कुत्ते की तरह पीछे पड़ गया होगा हमारे। सबसे पहले हम दौड़ के उस स्टैचू से गन लेते हैं और फिर आगे भागते हैं। यार हमारे पास आइटम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सबसे पहले मैं इन्हें कंबाइन कर लेता हूँ। हाँ चलो शुक्र है, जैक ब्रेकर अभी आ रहा नहीं है हमारे पास। इन्हें मैं अभी गिरा देता हूँ यार, अभी इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाते हैं, ये गन पकड़ ली हमने। ये देखो ये गेट क्लोज हो जाता है जिसके बाद हम बाहर नहीं जा सकते। इसके हाथ में हम ये ब्रोकन गन देंगे, ब्रोकन गन, और उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये चीज़ हमारी शॉटगन तैयार है। उसके बाद अब वापस जाने का वक्त आ चुका है। यहाँ से आए थे हम, यहाँ से जाने अब वापस दोबारा।
शॉट गन आ गई हमारे पास, पर चेक करते हैं कोई एमओ वगैरह क्राफ्ट हो सकती है, बट एमओ भी नहीं है। बट इस गन का थोड़ा सा तो फ़ायदा होगा, हो सकता है कि हेडशॉट्स मारें तो ये ज़्यादा काम की हो। इसके बाद अब चलते हैं आगे, हो सकता है हमें कुछ एमओ मिल जाए। अनलॉक्ड हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं हमें कुछ एमओ मिल जाए, एमओ मिल जाए तो फ़ायदा होगा। पर बट ये तो पीछे वापस जाने का रास्ता है। उसके बाद यहाँ पे एक बाथरूम है, उधर जाना है, बट उधर इतने ज़्यादा आगे ये ज़ॉम्बीज़ टाइप चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा। हाँ ये बाथरूम, यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर हैंड गन एमओ, चलो शुक्र है हैंड गन भाई, किसी चीज़ की भी हमें एमओ मिल जाए तो काफ़ी है। ये चैम फ्लोइड मिल गया, अरे भाई निकल आया निकल आया निकल आया, इसका क्या करें। हाँ सबसे पहले इन्हें लंगड़ा कर लें, ये चीज सबसे पहले इन्हें लंगड़ा करना है, लंगड़े के अलावा इनका काम बहुत मुश्किल है। भाई थोड़ा डोज करना होगा, मैं थोड़ा डोज करना होगा, ऐसे ही नहीं मरना बहुत मुश्किल है। किधर गया किधर गया, ये चीज मारो 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 मारो, किधर गया, आज नहीं छोड़ूंगा मैं, आज नहीं मैं छोड़ने वाला इन्हें। यार ये क्या मरने का नाम ही नहीं ले रहा यार, क्या चीज है ये, मर इधर यार, इन्होंने बहुत ही तंग करके रखा है कसम से यार, अभी भी उसमें जान है भाई, बहुत तंग करके रखा है बहुत ज़्यादा। ये 10 गोलियाँ, ये इससे एक भी बहुत मुश्किल से मरे। यहाँ अंदर एमओ है, यहाँ पे कोई एमओ नहीं मिली, हर यहाँ अंदर अब इतने ज़्यादा आ जाएंगे ना, इतने ज़्यादा देख सकते हैं आप, देखो कितने ज़्यादा। सबसे पहले इसे भी लंगड़ा करता हूँ मैं, ये तो लंगड़ा होने में इतना टाइम ले रहा है यार। अरे भाई मेरे पास एमओ खत्म यार, ये देखा है इधर एमओ खत्म होने की देर, और फिर पीछे नहीं आएगा, मैं देखता हूँ। अरे भाई शुक्र है एमओ क्राफ्ट होगी, थोड़ी सी एमओ क्राफ्ट हो गई है। अब भाई साहब देखते हैं, इतने ज्यादा हैं यार, ये मैं किस तरह निकलूंगा यहां से। सो गाइस बड़ी मुश्किल से मैंने इन कुत्तों को ठिकाने लगाया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया पार्ट, क्योंकि इतना मुश्किल था इन्हें मारना, इन चारों को मारना, मेरा एमओ ही अनसफिशिएंट पड़ा था इन्हें मारने के लिए, इसीलिए मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें मारा, और उसके बाद बिहाइंड द सीन मारा, उसके बाद ये मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की है, उसके बाद अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मेरा एमओ ही नहीं पूरा हो रहा था भाई, इतना मैंने मारा उन्हें, इतना हर बार फेल हुआ हूँ हर बार। यहाँ पे क्या मिला है, स्ट्रॉन्ग चैम फ्लूइड मिल गया हमें, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कोई की लगेगी वो हमारे पास नहीं है, चलो वो जाके अब की ढूंढते हैं, बस उम्मीद करते हैं कि अब कोई यहाँ पे वो दोबारा वेनम टाइप ला नहीं आएगी। बस मेरी तो बस हो गई है कसम से यार, आज का गेम प्ले रिकॉर्ड करते हुए मेरे कोई पाँच घंटे हो गए मुझे लगे, वही मर ही नहीं थे मुझसे यार। मैंने वीडियो देखी थी वो इसी जगह पे ढूंढ से डाइसेक्शन की, बट उसका ये हमारा लॉक्ड है, उसका ओपन होता है। अब मुझे इस तरीके से इन्हें अरेंज करने होंगे, कि इस तरीके से अरेंज करना होगा, वो बता रहा है कि हैंड के प्रिंट को कोई नोटिस करो,
हैंड का प्रिंट एक ये है, एक हैंड का प्रिंट ये है, एक ये है। मेरे ख्याल से इन्हें ओपन रखना है। इस पे हैंड का प्रिंट कोई नहीं है, इसे क्लोज कर लेते हैं। इस पे भी कोई नहीं है। अरे भाई, अरे भाई खुल गया। ओ भाई ये खुल गया भाई। अरे भाई, ओ भाई ये कौन आ गया। अरे भाई एक ये रहता था। निकल बड़ा तू प्रो प्लेयर, निकल। ये कोई अजीब सी बल्ला थी इसके, ये अपने बच्चों से तेज था। डायसेक्शन की मिल गई हमें, डायसेक्शन रूम में जाना है। अब सिंपली हमें जाना है उस बाथरूम के अंदर, उस कमरे में, जनरेटर रूम में। उसके बाद वहाँ पे की लगानी है और डायसेक्शन रूम में। वेलकम टू द डायसेक्शन रूम। भाई साहब गेम बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में जा चुकी है। दिस इज द रूम, दिस इज द रूम। डायसेक्शन की हमने पुट कर दी और ये चीज, रूम ओपन हो चुका है। अब आगे हम क्या देखने जा रहे हैं भाई साहब? ये क्या पड़ा है यहाँ पे? कुछ पड़ा है। हाँ ये रेड डॉग्स हेड। अच्छा अच्छा, वो वहां पे एक कुत्ते का सर हमने। ओ भाई जैक बेकर आ गया। अरे भाई इस बंदे से मुझे नफरत हो गई है भाई, इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा भाई। इस बंदे ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, आप क्या कह रहे हैं? अब क्या चाहिए तुझे? छोड़ दे हमारा पीछा, छोड़ दे हमारी जान, हमें मार के छोड़ेगा। अरे भाई वो चला गया बाहर। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। एफ शॉटगन शेल्स मिल गए, गुड, अप्रिशिएटेड, आई अप्रिशिएटेड। हमें मिल गए हैं शॉटगन की एमओ। यहाँ से नीचे जाना है। अब देखते हैं आगे कौन सा नया मरहला, कोई इम्तिहान आने लगा है हमारा। अरे भाई शॉटगन की शेल। अरे भाई हम पे क्यों इतने मेहरबान हो रहे हैं? दाल में तो कुछ काला है, बल्कि पूरी ही दाल काली है। यहाँ से ऊपर जाने से, दिस इज डायसेक्शन रूम। अरे भाई काट कूट के बंदे फेंके हुए, काट कूट के बंदे फेंक दिए। ये क्या चीज़ है इसे? अरे भाई ये वही सिक्योरिटी गार्ड जिसने हमें नाइफ दी थी और इसने उसका सर उतार दिया था। भाई भाई पुअर डेप्टी, भाई तेरी वजह से ही मरा है, टेंशन ना ले। तुझे ही उसने गैराज में आने का रास्ता बताया था तब वो मरा है, वरना वो ना मरता भाई। यहाँ से आगे जाना है अब मेरे ख्याल से। चलो चलते हैं फिर देख। अरे भाई यहाँ पे भी एक बॉडी लटक रही है। अरे भाई टांग टांग मारने को किसने बोला तुझे? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आ गया तू, आ जा, दो दो हाथ हो जाए फिर आ जा, आ जा बेटा। आए ओ ओ भाई तू तो गुस्सा कर गया। अरे भाई, अरे भाई ये बहुत जालिम आदमी है यार। ये चेन सॉ क्यों नहीं उठा रहा है यार? मेरे पास जगह नहीं है। सबर सबर सबर, यार हमारे पास जगह ही नहीं। मुझे एमो लोड करने दो भाई, फुल हमारे पीछे पड़ा है। किधर गया? ओ भाई दिमाग 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 घुमा गया हमारा। एक बस बस बस, आराम से आराम से आराम से, गुस्सा नहीं करना ज्यादा।
चेंसो चेंसो यार, चेंसो क्यों नहीं उठा पा रहा मैं? बस अब इसी का सार है, इसी का सार है। हेडशॉट, किधर गया किधर गया? अरे भाई किधर 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 है? वो भी ढूंढ रहा है कि किधर भाग रहा है। भाई तुझे इतना मैं चक्कर दूंगा। अरे भाई भाई भाई, असल में ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं है ना कहीं। सारी गन उसमें खाली कर दी यार। ये चेन सॉ कैसे उठाऊं यार मेरे पास? यार कसम से चेन सॉ। अरे वाह, अच्छा अच्छा चेन सॉ ऐसे उठानी है भाई। उसने खुद जगह बोल दी है। आ जा बेटा, देखते हैं कौन भाग रहा है। ये चीज, ये चेन सॉ मिल गया हमें। अब आ किधर किधर गया? आ जा फिर, देखते हैं कौन बहादुर है। आ जा, काट दूंगा पूरा, काट दूंगा। ये चीज छोड़ो मेरे नतीजे। सवाल की थे माफी से भाई, उसके मुंह से उल्टियां बाहर आ गई। भाई फुल मार दूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा इसे, किसी काम का नहीं छोड़ूंगा भाई। फुल फाइटिंग वाला सीन यहाँ पे चल रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है गेम, क्रिटिकल सिचुएशन। किधर गया किधर गया किधर गया? अरे भाई भाई मुझे पड़ गई, मुझे पड़ गई। ओ भाई इसका पेट्रोल खत्म हो गया, क्या हो गया? भाई मेरे ख्याल से इसका पेट्रोल खत्म हो गया था, मैं थोड़ा सा हील यूज कर लूं। ओ भाई मार गया मार गया, अभी हिल यूज की थी यार। आ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा इधर यार, ये बहुत, आ जा बहुत आराम से बेटा, आराम से मारूंगा मैं तुझे। ओ भाई दोबारा इसका पेट्रोल वगैरह खत्म हो गया यार। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है यार, ये क्या इससे भाई, इसकी चेन सॉ बंद होगी। अरे भाई फुल फाइट चल रही है इस वक्त यार, ये मर रहा क्यों नहीं यार? कितना इसे मारना पड़ेगा? ओ भाई साहब, भाई उठा के नीचे फेंका है उसने। अरे भाई इसकी टांग काट दी है, टांग काट दी है, टांग काट दी, टांग कट गई, टांग कट गई भाई साहब। भाई मेड्स यूज कर और अपनी टांग वापस लगा। ये मोल्ड है ना, इसी बाबे ने इसे मोल्ड बनाया था जैक बेटे में। थोड़ा वेट कर रहा हमारा, अरे भाई हमारा वेट कर रहा खड़ा हो। भाई मर क्यों नहीं है यार? कितना सख्त है यार, यार तेरी बूढ़ी बूढ़ी ऐसे नहीं करते यार। तेरी अब मरने की उम्र है, तू इधर आके मेरे से फाइटें कर रहा, फुल इसके मुंह में घुसा दूंगा और मर तू अब। ये चीज फुल खत्म कर दूंगा, ये चीज पूरा अंदर घुसा दे इसके, ऐसी की तैसी इसकी। भाई मर रहा क्यों नहीं है तू? अभी नहीं, अभी भी सकून नहीं है। ये चीज इसने हमारी, अरे भाई मरने के बाद भी सुकून नहीं, टांगे चल रही हैं इसकी अब। शुक्र है इससे जान बची यार। और यार अब मर जाए कसम से यार, ये फिर उठ के आ जाता है। इथन भी इससे कह रहा है मुझे एक फेवर तुम्हारी चाहिए कि अब उठ के ना आए प्लीज, बहुत परेशान किए इसने हमें। अब यहाँ से किधर जाना है? अब ये चीज हमें काटनी है।
हाँ ये हमें जगह काटनी है, यहाँ से लॉक्ड है जगह ये चीज। अब इसे हमें काट के जगह बनानी है अपने लिए, फिर हम यहाँ से बाहर जाएंगे। ये चीज अब चेन सॉ की हमें ज़रूरत नहीं है, फेंक दे। अब यहाँ से बाहर जाते हैं और देखते हैं आगे कौन सी मुसीबत इंतज़ार कर रही है हमारा। असल में हमें ये डॉग का हेड भी जाके पेस्ट करना है। मेरे पास मेड्स हैं, मेरे पास चैम फ्लूइड भी नहीं है। यहाँ से बाहर जाना है, बल्कि यहीं से तो आए थे। अब जितना मुझे समझ आ रहा है, यहाँ से जाना है वापस, और वापस जाके हमें वो डॉग का हेड जो है वो पेस्ट करना है, और वो डोर ओपन होगा तो मे भी हमें बाहर का रास्ता मिल जाए। चलो आओ अब जाके हम अपनी वो ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। अब हमें जाके वो डॉग का हेड पेस्ट करना है, यहाँ पे अब हमें डॉग का दूसरा हेड पेस्ट करना है। ये चीज़ ये देखो, यहाँ पे एक ग्रीन हो गया, एक ब्राउन टाइप हो गया, और एक एक की जगह मिसिंग है। और अब वो कहाँ से मिलेगा, अब आओ उसे ढूंढते हैं। मेरे ख्याल से बाकी जगह तो देख ली, इधर बैक साइड पे कहीं जाके मिलेगा हमें। आइटम बॉक्स, उसके अंदर से हमें पेंडुलम निकालना है। हाँ यहाँ पे इस कमरे के अंदर है हमारा आइटम बॉक्स। ये आइटम बॉक्स के अंदर से हमें पेंडुलम रिकवर करना है अपना। ये लास्ट पे क्लॉक पेंडुलम है, इसे वापस हम अपनी इन्वेंटरी में शिफ्ट करते हैं। और बाकी कुछ है हमारे काम का? नहीं, बाकी कुछ नहीं। ये पेंडुलम आ गए हमारे पास, अब हम जाते हैं बैक, और वहाँ एक क्लॉक है पेंडुलम, वहाँ पे पेस्ट करना है, और वहाँ पे हमें वाइट डॉग हेड मिलेगा, वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तीनों डॉग हेड पूरे हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम बाहर जाएंगे। इस पेंडुलम के अंदर ये चीज़, ये वाइट हेड, वाइट डॉग हेड हमें मिल चुका है भाई। 12 बजा दिए घड़ी ने, अब ये जाके हम सीधा पेस्ट कर देते हैं उधर, डॉग हेड जाके पेस्ट कर देते हैं। ये चीज़ अब हमारा गेट ओपन हो चुका है। ये चीज़ फाइनली बाहर आने का रास्ता मिल गया, फाइनली फाइनली बाहर आने का रास्ता मिल चुका है हमको। चलो गाइस, यहाँ पे मैं एपिसोड 4 का एंड करता हूँ, बहुत लंबी हो गई है मेरे ख्याल से, तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे हम एपिसोड 5 में। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं सून।